नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया के खास कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण के खास साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गोरेगांव के श्री स्वयंभू मंदिर ट्रस्ट में मौजूद हूं, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रसिद्ध कथावाचक प्रातस्मरणीय परम पूजनीय धर्मदास शास्त्री जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 दिवसीय अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हालांकि कोविड के समय कुछ दिन के लिए ये कथा जो है यहाँ पे विश्राम लिया था, लेकिन धर्मदास शास्त्री जी आप समझाना चाहेंगे कोविड कॉल के बाद आपकी कथा लोग को लेकर जिस तरह से पहले लोगों में उत्साह था इसी मंदिर प्रांगण में, आज भी वो 7 दिन का जो अमृतमय वर्षा पान हुआ महापुराण का जो लोग ज्ञान लेके जा रहे हैं, इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का 7 दिवसीय पितृपक्ष के पावन पर्व पर श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, अपने पितरों की शांति के निमित्त पितृदोष काल सर्पदोष से मुक्ति के लिए जो सरलतम सहज उपाय हमारे शास्त्रों में वेदों में वर्णित किया गया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोविड के कारण कुछ साल यहाँ पर नहीं हो पाई, इस बार जब पुनः आयोजन किया गया तो भारी से भारी मात्रा में लोगों का यहाँ पर कथा में विश्वास जगा और लोगों ने श्रवण किया। 7 दिवसीय ज्ञान का जो लोग रसपान करके अमृतमय वर्षा कहा जा सकता है आपकी मधुर वाणी द्वारा, यहाँ लोग के यहाँ के जो भक्तगण हैं जो ज्ञान लेके जा रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, भागवत महापुराण का क्या खास मैसेज लेके यहाँ से जा रहे हैं? भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि का जो सरलतम साधन है भागवत, लोगों के अंदर भक्ति का मार्ग जगे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव सद्विचार जगे, अपनी संस्कृति सभ्यता संस्कार को लोग जाने, इसी को लेकर के यहाँ पर भागवत महापुराण का आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं प्रायः हम अपने धर्म से च्युत होती जा रही हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। भागवत का उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रीति होना और वही इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोक और परलोक दोनों धन्य होता है। श्री शंभू देवस्थान मंदिर ट्रस्ट के आयोजक टीम और जो इसके ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं जिन्होंने एक कथा को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए अनवरत मेहनत किया, इस ट्रस्ट के लिए आपके लिए क्या जो है मायने रखता है और ट्रस्ट के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर स्वयंभू शिव मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से ही शिव पुराण की कथा होती है और ट्रस्ट में जो भी को हो सकता है हम पर सहयोग करते हैं, ताकि हमारे इससे ट्रस्ट में सहयोग करने से मंदिर की सेवा पूजा इत्यादि अनेकों खर्चे होते हैं, जिससे हमारे द्वारा कथा जब हम करते हैं तो सब लोग आते हैं सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से भागवत महापुराण की कथा संपन्न होती है। और मैं समस्त धार्मिक संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि आप भी इस महान ऐसे कार्यों में आगे आइए और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करिए, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो अभी से हमको सजग होना पड़ेगा और अपने धर्म के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, तभी हम अपने धर्म की समाज की देश की रक्षा कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मदास शास्त्री जी महाराज का कहना है कि धर्म का साधन शरीर होता है और जो शरीर मजबूत होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सार जो होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, सब धर्मों का जो सार होता है भागवत महापुराण में गोता लगाए, अपने जीवन को धन धान करें, अपने कुल को गौरव बढ़ाए और साथ साथ अपनी सभ्यता संस्कृत का जो प्रमुख संदेश है भागवत महापुराण का लेकर अपने जीवन को चरितार्थ करें। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।